बाकी सारी देखिए, जानकारी। फिजिकल बैरियर क्या है कि पहली बात तो आप जो मैसेज है वो इनकम्प्लीट दे रहे हो, कंप्लीट मैसेज नहीं दे रहे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो आपका मीडियम है उसमें डिफेक्ट है। जैसे आपने किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो, मान लीजिए आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, आपका जो फ़ोन का माइक ख़राब है तो आपकी आवाज़ उसको जाएगी नहीं, पर उसकी आवाज़ आपको सुन जाएगी। तो उससे क्या होगा, उससे फिजिकल बैरियर आ गया, आपका मैसेज पहुँच नहीं पाएगा, ठीक है। आप बात कर रहे हो तो कहीं पे कोई आवाज़ आ रही है, जैसे जनरेटर चल रहा हो पीछे, आप किसी को कोई बात कर रहे हो, आप कर ही नहीं पाओगे, वो क्या है, वो फिजिकल बैरियर है। सिमेंटिक बैरियर क्या है, देखिए, द डिफिकल्टी इन द यूज़ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज क्रिएट सिमेंटिक बैरियर, ठीक है। इसमें क्या है कि जब हम जो लैंग्वेज है उसका, देखिए, डिफिकल्टी इन यूज़ एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, हमें जैसे किसी को इंग्लिश नहीं आती है, जैसे आप मान के चलो कि आपको तमिल भाषा नहीं आती, ठीक है, आपको कोई तमिल भाषा में मैसेज दे रहा था, उसको कैसे जान पाओगे, चाहे मैसेज वो कितना इफेक्टिव हो, है ना। तो क्या है सिमेंटिक बैरियर, दिस आर इंक्लूड यूज़ ऑफ मल्टीपल मीनिंग वर्ड, यूज़ ऑफ टेक्निकल वर्ड्स, अनक्लियर अजम्पशन एंड रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, देखिए इसमें क्या है, इन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज मल्टीपल हायरार्कियल लेवल एंड मैसेज मे हैव टू पास थ्रू मैनी लेवल बिफोर दे रीच द रिसीवर, इट बिकम्स डिस्टॉर्ट एक्चुअल मैसेज। देखिए होता है क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज में क्या है, जैसे मैसेज कहीं से पहुंचाया जा रहा है तो होते 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 कि जो एक्चुअल मैसेज है वो टूट जाता है। ये सही भी है, देखिए, सच एज लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप पॉलिसी एंड रूल्स सिलेक्शन रॉन्ग मीडियम एटसेट्रा। देखिए इसमें होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या है, जैसे आपने किसी से बात करनी हो, आपको मैसेज घूम घूम के आपको आपके पास जो पहुँचे तो मैसेज वो है वो एक्चुअल मैसेज रहता नहीं है। जैसे आप देखिए, मान के चलिए कि जो 20 व्यक्ति हैं, जो 20% हैं, आप किसी के कान में एक बात कहिए, आप इसको बोलिए कि यही मैसेज जो मैंने आपको इन्हीं शब्दों में बोला है, यही मुझे वापस ऐसे ही आना होगा, तो वो आगे अपने जो 20 बंदे हैं, अगर वो 20 जो पर्सन है उसमें से मैसेज घूम के आएगा, आप ये जजमेंट करना जो आपको मैसेज पहुंचेगा वो आपका मैसेज होगा ही नहीं, क्योंकि जो आप किसी को मैसेज देते हो, आपके पास जो मैसेज आना होता है उसमें बहुत सारा फर्क हो जाता है, उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर, व्हेन माइंड सेट ऑफ सेंडर एंड रिसीवर आर नॉट फेवरेबल टू ईच अदर देन दिस बैरियर क्रिएट। देखिए इसमें क्या है कि देखिए इसमें क्या है कि सोशल फिजिकल बैरियर होता है ना, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है ना, आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है, कोई पर्सन बैठा है, किसी इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो, वो अपने मोबाइल में लगा हुआ है, वो हूँ कर ही आ रहा है, आपको बस आवाज़ उसकी, वो आपका मैसेज तो सुन नहीं रहा है ना। तो क्या है, वो सोशल साइकोलॉजिकल बैरियर है, सच एज बिहेवियर एटीट्यूड क्लोज माइंड, ठीक है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्लोज माइंड सेल्फिशनेस, यानी कि बिहेवियर एटीट्यूड क्या है आपकी, आप उससे बात कर रहे हो वो या तो बाहर देख रहे हैं, अपने फ़ोन में घुसा हुआ है, तो आपकी बात वो सुन नहीं रहा, वो किसमें आएगा, सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है। इंडिविजुअल बैरियर क्या है, देखिए, ए मेजर बैरियर्स टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज टेंडेंसी टू जज एवोल्यूशन ऑफ मैसेज अप्रूव एंड डिसप्रूव ऑफ द व्यू फर्दर। देखिए जैसे दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट की बात, लोकसभा में क्या होता है, जैसे कोई मंत्री कोई अपनी बात रखने के लिए कोशिश करता है, दूसरा मंत्री खड़ा होकर उसकी बात को काट देता है, ठीक है, तो होता है क्या है कि उसका मैसेज को वो डिसप्रूव कर देते हैं, उसके व्यू को डिसअप्रूव कर देते हैं, तो वो क्या है, इंडिविजुअल बैरियर। जब हम जानबूझकर किसी चीज़ में बैरियर या कोई अड़चन डाल दें, ठीक है फ्रेंड्स, तो होता है इंडिविजुअल बैरियर। अब देखिए इसके क्वेश्चन देखिए, द चॉइस ऑफ द कम्युनिकेशन पार्टनर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स ऑफ, देखिए कम्युनिकेशन पार्टनर किससे प्रभावित होता है, ठीक है, ये अगस्त 2016 क्वेश्चन था, आपके सामने ऑप्शन है प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी, लोनलीनेस, ठीक है, आपके देखिए ऑप्शन ए है, बी है, सी है, ये ऑप्शन नंबर डी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इसका प्रॉक्सिमिटी यूटिलिटी टू ग्रोइंग इन साइज एंड स्टूडेंट हु कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। देखिए होता क्या है कि क्लास का जो साइज़ है वो अगर बढ़ जाए उससे जो और जो स्टूडेंट जो क्लासरूम का साइज़ बड़ा हो उससे, और जो स्टूडेंट है वो अगर डिफरेंट जो बैकग्राउंड से आते हैं तो उससे क्या है, बैरियर बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि सभी, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं,
अगर टीचर हिंदी मीडियम में सभी को पढ़ाए तो इंग्लिश वालों को समझ नहीं आएगा, अगर इंग्लिश में पढ़ाए तो हिंदी वालों को समझ नहीं आएगा। तो क्या है, नॉलेज जो शेयर की जा रही है वो कुछ ही बच्चों तक सीमित है, बाकियों तक सीमित नहीं है। तो इससे क्या, ये सबसे बड़ा बैरियर है कम्युनिकेशन का, बच्चे बात नहीं समझ पाएंगे उसकी। इट इज़ डिफिकल्ट टू फॉर फाइंड आउट बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन बट सम कॉमन बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लासरूम आर। देखिए बहुत मुश्किल है जानना कि बैरियर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, पर फिर भी कुछ कॉमन बैरियर्स हैं जिसको हम जानते हैं। पहले लिसनिंग बैरियर, देखिए सुनने का, इफेक्टिव लिसनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन क्लासरूम। देखिए इफेक्टिव लिसनिंग क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्लासरूम में। आउटसाइड नॉइस सच एज टेलीफोन और अदर कंस्ट्रक्शन नॉइस मेक लिसनिंग डिफिकल्ट। जैसे देखिए कि हम जब फ़ोन पे बात करते हैं या कुछ अदर कंस्ट्रक्शन जो वर्क होता है, ठीक है, तो उसकी आवाज़ क्या है, हमें लिसनिंग में जो है वो डिफ़िकल्टी लगा देते हैं। ठीक है, आपके घर के पास कोई घर बन रहा है तो आप पढ़ नहीं पाओगे, आप किसी की बात नहीं सुन पाओगे। ठीक है, यूज़ मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स। जब हम देखिए, जब टीचर क्या करते हैं कि कई टाइम क्या करते हैं कि वो कुछ वर्ड को जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके कई तरह के मतलब निकलते हैं, तो जिससे क्या है, वर्ड्स का जो है मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, बच्चा समझ नहीं पाता इसका मतलब है क्या। परसेप्शन, डिफरेंट स्टूडेंट में रिसीव एंड हेयर द सेम मैसेज बट इंटरप्ट इट डिफरेंटली। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कैन बी मिस्ड बाय नॉट कवरिंग ए सब्जेक्ट इन डेप्थ बाय स्टूडेंट। देखिए इसमें क्या है कि स्टूडेंट जो टीचर की बात तो सुन लेते हैं पर उसको समझ नहीं पाते, ठीक है, सेम मैसेज को अपने दिमाग में बिठा नहीं पाते, ठीक है, तो उसमें वो क्या करते हैं, कई बार वो अंतर भी नहीं कर पाते। जैसे बच्चों ने टीचर की बात को सुना, समझा, अच्छे से कर लिया, पर जो मैसेज था उसमें वो अंतर ढूंढ नहीं पाए, उसमें वो डिफरेंट था वो ढूंढ नहीं पाए, ठीक है। तो ऐसा होता है क्या है कि जब बच्चे जो है वो सब्जेक्ट को अच्छे से कवर नहीं करते, जैसे आप UGC नेट एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी करके कई बार नहीं जाते, तो जब आप क्वेश्चन करते हो तो आप ये समझते हो कि क्वेश्चन बाहर से आ गया, बाहर से कुछ नहीं आता, बस आपने उसको डेप्थ से नहीं पढ़ा होता, ठीक है। ओरल बैरियर्स, देखिए इन ओरल कम्युनिकेशन इंक्लूड यूजिंग वर्ड्स विद एम्बिगुअस मीनिंग दैट ओरल कम्युनिकेशन बैरियर्स इन द क्लासरूम में आकर। देखिए कई बार क्या होता है कि ओरल जो कम्युनिकेशन उसमें कई वर्ड्स हैं, ठीक है, उसमें जो कुछ जो वर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है, वो कई बार समझने में मुश्किल हो जाती है जिससे हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती। इमोशन मूड, इफ़ द टीचर टेंस एंग्री एक्साइटेड और अफ्रेड देन ही शी विल नॉट एबल टू सेंड द मैसेज प्रॉपरली। अगर टीचर गुस्से में है, एक्साइटेड है, डरा हुआ है, कुछ भी है, तो वो बच्चों को अच्छे से समझा नहीं पाएगा। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, देखिए इफ़ द स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट कम्प्लीट दैन इट्स, देखिए अधूरी जानकारी सबसे खतरनाक है, अगर बच्चों को आधा बढ़ा दिया जाए, आधा छोड़ दिया जाए, तो वो अधूरी इन्फॉर्मेशन से कुछ भी जो है वो नॉलेज नहीं ले सकते, ये सबसे बड़ा बैरियर है। नेक्स्ट है फीडबैक इफ़ टीचर, अगर देखिए टीचर जो है वो फीडबैक का इस्तेमाल ना करें, जैसे क्लासरूम में टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं तो अगर टीचर बार बार उनसे पूछता रहे कि आपको समझ में आया, तो बच्चे बोलते हैं यस सर, यस मैम, ठीक है, तो उसे फीडबैक पता चलता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या वो इतनी मेहनत कर रहा है, क्या किसी के काम आ रही है। तो अगर वो फीडबैक ले ही ना, ठीक है, पढ़ा के चला गया, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। 5 मेन एरियाज ऑफ इम्पोर्टेंस इन क्लासरूम मैनेजमेंट। अब देखिए 5 ऐसे एरियाज है क्लासरूम के, ठीक है फ्रेंड्स, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अब जानते हैं। देखिए वो 5 जो है वो कौन कौन से जो है वो मेन एरिया है, ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जानते हैं। पहला है एरोजन। एरोजन क्या है, देखिए टू इंश्योर, एरोजन का मतलब होता है उत्तेजना, ठीक है, टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड एंड रेडी टू लर्न। पहले ये जानना जरूरी है कि क्या स्टूडेंट्स मोटिवेट होने के लिए तैयार हैं या पढ़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है, उनमें उत्तेजना है। एक्सपेक्टेंसी यानी कि प्रत्याशा, मेकिंग श्योर दैट स्टूडेंट्स नो वट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ टेम एंड वट दे विल बी एबल टू डू आफ्टर लर्निंग। देखिए इसमें क्या है कि जो इसमें ये जाना जरूरी है कि जो स्टूडेंट है, ठीक है, जो स्टूडेंट है, जैसे मान के चले कि यह सुनिश्चित करना कि छात्रों को पता हो कि क्या आवश्यक है। इसमें देखिए इसमें ये बात का जाना जरूरी है कि जो छात्रों को नॉलेज दी जा रही है, जो स्टूडेंट को बताया जा रहा है कि उनको इसकी आवश्यकता है, ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट चीज़ है इंसेंटिव। इंसेंटिव का क्या मतलब है,
प्रोत्साहन, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इंश्योर स्टूडेंट्स दैट हाउ देयर अचीवमेंट विल बी रिवार्डेड। देखिए, छात्रों को सुनिश्चित करें कि उनकी उपलब्धि को कैसे पुरस्कृत किया जाएगा, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो उनको नॉलेज दी गई है, अगर वो उसमें उस नॉलेज को अच्छे से लेंगे तो उनको उसके लिए क्या है, जो इनाम दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिसिप्लिनरी, इंश्योर दैट द वर्क ऑफ ग्रुप इज़ नॉट डिस्टर्बड। यह सुनिश्चित करना है कि जो काम दिया गया उनको उसमें कोई बाधा ना आए, वो डिस्टर्बड ना हो, ठीक है। सब काम जो है डिसिप्लिन में हो, जैसे टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाता है वो सब कुछ डिसिप्लिन में पढ़ाए, उसमें कुछ भी बाधा ना आए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है एम्प्लॉयमेंट। जैसे देखिए, इंश्योर दैट द वर्क ऑफ ग्रुप इज़ नॉट डिस्टर्बड, तो बस इसमें भी सेम पॉइंट ये है। तो नेक्स्ट देखिए, हाउ टू इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब एक क्लासरूम में जब क्लासरूम में है, जो इफेक्टिव कैसे हो सकता है, उसे कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। इसमें देखिए, कन्वर्सेशन स्किल, तो सबसे पहली बात देखिए, कन्वर्सेशन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल। इट इनेबल्स पीपल टू शेयर थॉट, ओपिनियन एंड आइडियाज़ एंड रिसीव देम इन टर्न। ऑल्दो इट मे अपीयर सिंपल ऑन द सरफेस, इफेक्टिव कन्वर्सेशन इंक्लूडेड गिव एंड टेक एक्सचेंज दैट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट। देखिए, इसमें क्या है कि अगर क्लासरूम जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होना चाहिए, तो कन्वर्सेशन जो स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। कन्वर्सेशन देखिए, होता क्या है, क्लास में जो कम्युनिकेशन के जरिए थॉट्स, यानी कि विचार, ओपिनियंस, आइडियाज़, ये है, ये सब कुछ डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि जो कन्वर्सेशन जो स्किल है वो कैसे सही हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात है कि बॉडी लैंग्वेज, अगर टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि उसका मतलब खड़े होने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, उसमें सब कुछ आता है। आई कॉन्टैक्ट, बच्चों का टीचर के साथ और टीचर का बच्चों के साथ आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या है, जो क्लासरूम कम्युनिकेशन काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है समराइजिंग, ठीक है, तो इसमें जो बच्चों को वो जो टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसको वो समराइज़ करके बताए, ये बताए कि जो उसने चीज़ पढ़ा दी है तो उनको कैसे कैसे इसका क्या मतलब है, तो जैसे एक बड़ा सा टॉपिक ख़त्म कर दिया तो उसको शॉर्ट में समझा दे, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें क्या है देखिए, नेक्स्ट है पैराफ्रेसिंग, ठीक है, फिर है रिस्पॉन्डिंग। देखिए, ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन में, जिससे इफेक्टिव बनता है। तो जैसे बच्चों को क्लास में कोई चीज़ समझा दी टीचर के द्वारा, तो उसके साथ बच्चों का क्या रिस्पांस है वो भी बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या है कि क्लासरूम जो कम्युनिकेशन है वो बढ़िया बन जाता है। अब यूज़ टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, फ्रॉम ऑडियो बुक्स, वीडियो लेक्चर टू ऐप्स, देयर इज़ मल्टीपल ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स। टीचर कैन बी यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या है कि जो टीचर है, ठीक है, जो टीचर है वो क्या है कि बच्चों को ऑडियो लेक्चर के जरिए, वीडियो लेक्चर के जरिए या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी से बच्चों को समझाएगा, जिससे क्या है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन का जो स्किल है वो इम्प्रूव हो सके। स्टूडेंट कैन लिसन टू और रीड अलॉन्ग विद ऑडियो बुक्स टू हेयर हाउ द स्पीकर प्रोनाउंस एंड एनोन्सेट डिफरेंट वर्ड ऑफ फ्रेज। देखिए, टेक्नोलॉजी में क्या है, जैसे कोई ऑडियो बुक है, जैसे हम किसी बुक को पढ़ रहे हैं पर वो स्वयं सुन रहे हैं, तो उसमें वहाँ पे शब्दों की या वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन कैसी है, क्या क्या नॉलेज दी जा रही है, उसको ध्यान से सुना जाता है, ठीक है। तो इससे क्लासरूम कम्युनिकेशन बढ़िया बनता है। री इन्फोर्स एक्टिव लिसनिंग, देखिए इसमें क्या है, कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग, इट इज़ ऑल अबाउट लिसनिंग। देखिए, कम्युनिकेशन में सिर्फ बोला नहीं जाता, इसमें क्या है, सुना भी जाता है, ठीक है। अगर देखिए, आप किसी को कोई चीज़ समझा रहे हो, अगर वो आपकी बात अच्छे से समझ पाए तो तभी आपको वो उसका आंसर दे पाएगा ना, अगर वो बात को समझे ही ना, आप बोलते जाओ, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। टीचर कैन हेल्प देयर स्टूडेंट डेवलप लिसनिंग स्किल बाय रीडिंग ए सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट अलाउड एंड देन हैविंग द क्लास डिस्कस एंड रिफ्लेक्ट ऑन द कंटेंट। देखिए, जब टीचर क्लास में बच्चों को समझाते हैं तो वो क्लास में जो शब्दों को थोड़ा सा ऊंचा बोलता है, जैसे नॉर्मली तरीके से पढ़ा रहा है, ठीक है, जैसे टीचर जो नॉर्मल तरीके से पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो वो कुछ शब्दों को थोड़ा सा लाउड बोलते हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि ये शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रीइंफोर्स बिल्डिंग गुड लिसनिंग स्किल्स बाय इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस आस्किंग क्लैरिफाइंग क्वेश्चन टू फुली अंडरस्टैंड द स्पीकर इन
टेंडेड मैसेज। अब देखें कि जो टीचर है या जो कम्युनिकेटर है उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, यानी कि जो स्पीकर है जो टीचर है वो बच्चों को जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं उनके दिमाग में क्या था, तो क्या वो बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है, क्या स्पीकर जो है वो अपनी बात अच्छे से समझा पा रहा है, उसका क्लैरिफाई किया जाता है। ठीक है, तो वो किससे होगा, वो एक्टिव लिसनिंग से होगा, यानी कि जब टीचर की बातों को बच्चे ध्यान से सुनेंगे तो उससे कम्युनिकेशन जो है अच्छा हो जाएगा। ऑफर ग्रुप प्रेजेंटेशन एंड असाइनमेंट, देखिए इसमें क्या है, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज कैन ऑल्सो हैव स्टूडेंट शेयर पेन बोथ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल। इसमें क्या है कि बच्चों को देखिए अगर अच्छे समझाने के लिए क्या करते हैं कि ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल जो है वो सिखाया जाता है, यानी कि जो बच्चों को चीज़ें कुछ चीज़ें बोल के समझाई जाती है, कुछ चीज़ें लिख कर समझाई जाती है। ठीक है, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, देखिए ओपन एंडेड क्वेश्चन आर वाइटल फॉर इंस्पायरिंग डिस्कशन एंड डेमोस्ट्रेटिंग दैट आर मल्टीपल वे ऑफ परसीव एंड आंसर ए क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, टीचर लाइट सेट ए टाइमर फॉर शॉर्ट इनफॉर्मल कन्वर्सेशन एंड चैलेंज स्टूडेंट टू यूज ओपन एंडेड क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है ओपन एंडेड क्वेश्चन में कि बच्चों को क्वेश्चन कुछ दिए जाते हैं, जैसे कुछ है कि जैसे टीचर ने कोई शॉर्ट टाइम दे दिया तो एक क्वेश्चन उसमें बता दिया, तो बच्चे उसका क्या है उसका आंसर ढूंढते हैं। ठीक है, जैसे टीचर ने क्लास में बच्चों को कुछ डेमोस्ट्रेशन के लिए कुछ क्वेश्चन पूछा कि आपको मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा आपको इसका आंसर देना है, तो उसके लिए टीचर क्या करेंगे कि थोड़ा सा टाइम दे देते हैं बच्चों को सोचने के लिए, तो बच्चे क्या करते हैं उस चीज़ का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इससे क्या है इंटरेस्ट बना रहता है क्लास में पढ़ने के लिए। यूज़ टास्क एंड एक्टिविटी दैट फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग, देखिए जब टीचर क्लास में बच्चों को कुछ टास्क देते हैं कुछ एक्टिविटी देते हैं करने के लिए, तो बच्चों के मन में क्या है दिमाग में क्या है क्रिटिकल थिंकिंग आती है। यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग आएगा कि थिंकिंग लिखा हुआ है तो आप सही कर लेना। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि जो चीज़ करवाई जा रही है वो चीज़ गलत है सही है, क्या इसमें गलती है क्या गलती नहीं है, ये क्या है क्रिटिकल थिंकिंग। जब बच्चों को कुछ चीज़ एक्टिविटी करने के लिए दी जाती है तो बच्चे अपने हिसाब से जब उस टास्क को उस एक्टिविटी को पूरा करते हैं तो उनके दिमाग में क्या है क्रिटिकल थिंकिंग आती है, जो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड्स, अनदर टास्क बेस्ड फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट कम्युनिकेशन स्किल इज थ्रो क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइज, दिस कैन बी डन वर्बली एंड थ्रो रिटन असाइनमेंट। देखिए जब बच्चों को क्लास में ऐसे पढ़ाया जाता है तो वर्बली दिया जाता है, रिटन असाइनमेंट दी जाती है, तो उस असाइनमेंट को जब अपने तरीके से क्रिएट करते हैं उसका आंसर ढूंढते हैं तो इससे उनमें क्रिटिकल थिंकिंग आती है, तो इससे पता चलता है कि जो टीचर ने बच्चों को कराया था वो उनको अच्छे से समझ में आ चुका है। ऑफर रिफ्लेक्टिव लर्निंग अपॉर्चुनिटी, देखिए रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स रीडिंग सिलेक्टेड टेक्स्ट और वीडियो टेपिंग ग्रुप प्रेजेंटेशन इज एन एक्सलेंट मेथड फॉर असेसिंग द कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। देखिए अगर क्लास में जैसे देखिए आजकल कैमरा लगे होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है, जब क्लास में बच्चे परफॉर्म करते हैं तो उनकी जो स्ट्रेंथ है कम्युनिकेशन की जब वीकनेस है दोनों देखी जाती है। वीडियो टेपिंग में ये देखा जाता है कि जो बच्चे क्लास में जो कर रहे हैं उनकी कहाँ पे वीकनेस है और कहाँ पे वो बढ़िया है इनको देखा जाता है, तो जो जो कमियाँ हैं उनको दूर कर दिया जाता है। स्टूडेंट कैन रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओरल परफॉर्मेंस इन स्मॉल ग्रुप, देखिए इसमें क्या है जो स्टूडेंट हैं अगर वो ओरल परफॉर्मेंस करते हैं छोटे ग्रुप में, जैसे मान के चले कि कहीं पे कुछ फंक्शन है वहाँ पे बच्चों को स्पीच देनी है, जब वो ओरल परफॉर्म करेंगे छोटे ग्रुप में, ठीक है, या क्लास में मान के चले कि जैसे बच्चे बैठे हैं तो पांच बच्चों का ग्रुप है उसमें से एक बच्चा निकल गया है, तो वो क्लास में बच्चों को अपने विचार जो है टॉपिक के ऊपर समझाए, ठीक है, बताए, तो इससे क्या है कि एक अच्छा लर्निंग अपॉर्चुनिटी सामने आता है। देन आस्क ईच स्टूडेंट टू क्रिटिक द अदर, देखिए जब वो बच्चा क्लास में जब बोलता है तो बाकी बच्चों को ये हिदायत दी जाती है समझाया जाता है कि आप इसकी गलती ढूंढो या देखो ये इसने सही कहा है कि नहीं, तो बच्चे कहते हैं इसकी गलतियाँ यहाँ पे ढूंढते हैं। ठीक है, फाइंड टीचेबल मोमेंट्स, देखिए वट एवर द एज ऑफ ग्रुप ऑफ टीचर्स आर वर्किंग विद मैक्सिमाइज ऑन द एवरीडे हैपनिंग इन द क्लासरूम एनवायरमेंट। देखिए क्लास में ये मायने रखता है कि टीचर की क्या वहाँ पे एज है, ठीक है, कितनी देर उसने पढ़ाया है क्या क्या है, ये सब कुछ डिपेंड करता है क्लासरूम के एनवायरमेंट पे। फॉर एग्जांपल इफ ए स्टूडेंट आंसर ए क्वेश्चन इन द कॉम्प्लिकेटेड वे, अब देखिए कि अगर जो स्टूडेंट है वो किसी क्वेश्चन का आंसर वो कॉम्प्लिकेटेड वे से देता है तो टीचर माइट आस्क दैट दे रिफ्रेज व्हाट दे सेड और चैलेंज द क्लास टू आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चन। देखिए अगर जैसे बच्चे जो कोई स्टूडेंट है क्लास में अब जब टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका वो आंसर सही ढंग से दे नहीं पाता तो टीचर उसको दोबारा से उसका आंसर देने के लिए कहता है
और ये चैलेंज करता है कि सभी को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इफ़ एन अनफेमिलियर वर्ड पॉप्स अप इन द टेक्स्ट और इन ए फिल्म, पॉज इन ऑर्डर फॉर द क्लास टू सर्च फॉर द वर्ड्स इन द डिक्शनरी। जैसे क्या है कि देखिए, बच्चों को बताया जाता है कि अगर उनको कुछ वर्ड्स ऐसे कुछ समझ में ना आए तो डिक्शनरी का इस्तेमाल करें, वहाँ पे वो सर्च कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो बच्चे उसके सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते अच्छे से, तो उसको गलती कर बैठते हैं, उनको मतलब नहीं पता होता इसका मीनिंग क्या है। तो टीचर उनको कहते हैं कि आप इसको डिक्शनरी में इसका आंसर ढूंढिए, इसका वर्ड का मीनिंग है क्या, तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, जो स्टूडेंट है उसका आंसर सही देने की कोशिश करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आइए चलिए इसके करते हैं थोड़े से क्वेश्चन। दिसंबर 2015 में क्वेश्चन आया था, मोस्ट ऑफ्टन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन। देखिए टीचर और जो स्टूडेंट का जो कम्युनिकेशन है वो तकरीबन कैसा होता है, स्पेरियस, क्रिटिकल, यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन, कन्फ्रेंशियल। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। यानी कि टीचर स्टूडेंट का कम्युनिकेशन कैसा होता है, जितनी मतलब कि उनको ज़रूरत है, यानी कि जितना बच्चों को समझ में आए, जितना टीचर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जितनी नॉलेज ट्रांसफर दे होता है ना ऐसे क्लास में जब टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो क्लास के हिसाब से पढ़ाते हैं कि उनका लेवल है क्या, है ना। तो उस हिसाब से वो नॉलेज को शेयर करते हैं। जैसे छोटे बच्चों को ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ा दिया, बड़े बच्चों को थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पढ़ा दिया ऐसे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ए टीचर हैज़ टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ वाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट इन द क्लासरूम। देखिए अगस्त 2016 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को हम जब एड्रेस कर रहे हैं, कुछ उसके बारे में कह रहे हैं, तो कौन कौन से जो टीचर हैं वो इम्पोर्टेंट एलिमेंट वो दिखता है। देखिए अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, वॉइस मॉड्यूलेशन, रिपीटिव पॉज या फिक्स्ड पोस्चर। देखिए आंसर है वॉइस मॉड्यूलेशन, ठीक है। ए टीचर इन ए क्लासरूम हैज़ इमीडिएट कंट्रोल ओवर। देखिए अगर टीचर को एक क्लासरूम में के अंदर अगर एकदम से फटाफट कंट्रोल करना है तो वो क्या करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका ऑप्शन, देखिए आपके सामने ऑप्शन बता रखे हैं, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि द सेल्फ सिलेक्टेड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड द मैसेज। अगर टीचर को क्लास में कंट्रोल करना है तो टीचर के द्वारा बनाए गए जो मेथड है कम्युनिकेशन के, ठीक है, क्या उसने मैसेज देना है उसके हिसाब से वो क्लासरूम को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू कम्युनिकेटेड वर्ड कैरी इन ए क्लासरूम सिचुएशन। देखिए क्लासरूम जो सिचुएशन है उसके लिए कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, कि जैसे टीचर क्लास में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो उन्हें कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगस्त 2016 में क्वेश्चन था ये फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 आपके सामने है, तो इसका जल्दी से देखते हैं क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पावर स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिशन, ठीक है। तो नेक्स्ट है एज ए गुड क्लासरूम कम्युनिकेटर यू आर सपोज टू नो यूअर। एक अच्छा गुड क्लासरूम कम्युनिकेटर होने के नाते तो आप में आप किन बातों को जानते हैं, ये अगस्त 2016 का क्वेश्चन था। ऑडियंस इमोशन, साइलेंट क्यूज, आर्टफुल पॉजेज या काउंटर आर्गूमेंट। तो आंसर है आर्टफुल पॉजेज। यानी कि देखिए जब एक क्लासरूम कम्युनिकेटर, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, यानी कि आप एक अच्छे गुड क्लासरूम कम्युनिकेटर, आप एक अच्छे क्लासरूम कम्युनिकेटर हैं, तो आप क्या चीज़ों को जानोगे, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको कहाँ कहाँ पे रुकना है। जैसे आपकी कोई बात किसी को समझ आई तो वो तालियां बजाने लग जाएं, तो आप देखना कि कम्युनिकेटर जो है वो वहाँ पे थोड़ी देर अपनी बातों को रोक देते हैं, ठीक है, फिर अपनी बात तालियां बजने के बाद जो है वो अपनी शुरू करते हैं। तो क्या है उन्हें पता होता है कि कहाँ